हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं हाय हेलो दोस्तों चलिए आप लोगों को मैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पीके मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। चलिए आज मैं बताऊंगा कि रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए संख्या भी दिया हुआ है 5, 8, 11, 6, 9, 12 और 11, 14। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह पे क्या होगा वो बताना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप इधर से एक बार देखिए, इन सब को जोड़ के या गुना करके या घटो कैसे करके 11 आया है, इन सब को कैसे करके 12 आया है। अगर इस तरह से नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से बनाइए, इन सब को कैसे जोड़ के या घटो कि जो भी किया हो ये 11 आया है, इन सब को कैसे क्या किया है तो 14 आया है। तो चलिए आ जानते हैं। देखिए 6, 5, 11 होता है, यहाँ पर 11 है। चलिए दूसरा भी देखते हैं, 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है, लेकिन यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इधर से ये नहीं बनेगा। अब इधर से चलते हैं, 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5, 13, लेकिन ये 11 दिया हुआ है। इसमें देखिए 9, 6, 15 होता है, लेकिन 12 दिया हुआ है। तो क्या किया है कि ये 11 आया है, 12 आया है, और इधर से ये 14 और 11 आया है। तो चलिए इसमें हम एक बार जोड़ते हैं, 5 इधर तो है ही, 5 में 3 जोड़ दिया कितना हुआ 8, और 8 में 3 जोड़ दिया कितना हुआ 11। इसका मतलब मेरा ये प्रश्न इसी तरह से बनेगा। तो 6 और 9 कितना, 6 में 3 जोड़ा कितना हुआ 9, और 9 में 3 जोड़ा कितना हुआ 12 हुआ। अब यहाँ पर चलिए 11 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 3 जोड़कर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें भी हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 3 17। तो इसमें जो है 17 कितना आएगा, इसमें तो इसमें आएगा 17 14 3 17। तो मेरा इसमें ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर मेरा ये जो है 4 सही हो जाएगा, ये 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते, ये देखिए ये भी है वही क्वेश्चन जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, हम दोस्त आप लोग जब कमेंट किया तो मैं सोचा कि 4-5 क्वेश्चन इसी तरह से एक पार्ट सीरीज बना के भेज दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर एक रीजनिंग के ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप उस पर एक वीडियो बना के भेजिए। तो आप लोगों को मैं कि कमेंट देखा तो मैं सोचा कि एक वीडियो उस पर बना दूं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह का बॉक्स बना हुआ है, और इसमें खाली जगह में बोल रहा है कि इसमें खाली जगह में क्या होगा, इसमें खाली जगह में क्या होगा। तो देखिए ये 64 कैसे है, ये 64 कैसे आया है, सबसे पहले इसको पता लगाइए कि इन सब को जोड़ के क्या ये 64 आया है, या फिर इन दोनों डिपार्टमेंट के जोड़ या गुना या भागा करके 64 आया है, या फिर इन दोनों डिपार्टमेंट के जोड़ या गुना करके 64 आया है। जैसे अगर आप इसको करेक्ट कर लिए ना तो ये दूसरा ऑटोमेटिक आप बना लोगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे देखिए 6 और 4 10 10 के स्क्वायर कहते हैं कितना होगा 100 नहीं होगा। चलिए 5 और 3 8 5 और 3 8 8 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 88 64, तो ये तो आ जाता है। इसका मतलब इधर का जो स्क्वायर होगा उस साइड दिया है, तो इसका मतलब इस साइड का जो स्क्वायर होगा इस साइड आएगा। तो चलिए देखते हैं 5 3 8 88 64, 8 का स्क्वायर किया तो 6 और 4 10, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6 और 4 10। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर 6 प्लस 4 बराबर 10 होगा, अगर 10 के स्क्वायर कर दिया तो कितना हुआ 100। उसी तरह इसको भी किया है, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 प्लस 8 बराबर कितना हुआ
तो नहीं, 3 और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 होगा, 5 + 3 बराबर कितना होगा, 8। 8 का स्क्वायर किया तो 64, यानी इस साइड का जो हुआ वो इस साइड दे दिया इस बॉक्स में, तो मतलब इस साइड का जो होगा इस बॉक्स में आएगा। तो इस साइड का स्क्वायर कितना हुआ, तो 100, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर 100 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो है किस में है, तो ऑप्शन नंबर मेरा मेरा जो है ऑप्शन नंबर ये दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानियां हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं उसी पर आधारित पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए ये जो है ये सवाल नंबर तीसरा है। ये देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कर रहा है, देखिए सवाल नंबर तीसरा बोल रहा वही प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या होगा। ये देखिए 5 और 4 क्या किया है कि ये 20 आया है, और 8 और 8 को क्या किया है कि ये 64 आया है, इसी तरह 6 और 6 के क्या करेंगे कि यह प्रश्न चिन्ह पे आएगा। तो चलिए देखिए 5 और 4 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पर, लेकिन 20 है नहीं हुआ। इसके बाद 8 और 8 16 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 64 है, इसका मतलब ये गुना किया हुआ है। चलिए एक बार गुना करते हैं, 5 चौके 20, नीचे 20 दिया हुआ है, इसके बाद 8 × 8 होगा तो 8 × 2 = 68, यानी इसको गुना किया 5 और 4 को तो 20 हुआ, 5 चौके 20, और 8 को और 8 को गुना करेगा तो कितना होगा 68 = 64। उसी तरह इसमें भी होगा, 6 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 6×6 = 36, ये प्रश्न चिन्ह के जगह पर 36 होगा। तो चलिए देखते हैं मेरा ऑप्शन किस में है 36, तो सवाल नंबर 3 C यानी तीसरा मेरा उत्तर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ये देखिए सवाल नंबर 4 बता रहा है कि ये देखिए किस तरह से डी बॉक्स बना हुआ है, और उसमें भी संख्या दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह पर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को 1 LIP 4 CTET में तो पूछता है, इसके बाद BPSC में पूछेगा, NTPC रेलवे ग्रुप डी SGL, ये 4-5 एग्जाम में जो है ना आपको ये क्वेश्चन आना है तो आना है रीजनिंग में। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन के ओर। ये देखिए ये डी का बॉक्स बना हुआ है, उसमें भी संख्या है, इसमें भी संख्या है, यानी अंदर अंदर, इसके बाद बाहर बाहर संख्या, इसमें भी अंदर अंदर और ये बाहर संख्या है, और इसमें देखिए अंदर भी संख्या है और ये अंदर भी संख्या है, लेकिन ये बाहर है और यहाँ पर बाहर में क्या संख्या, यही है लुप्त संख्या हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए कैसे क्या किया है। ये देखिए मान लीजिए हम इनको इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 × 4 = 13 होता है, 6 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 6 × 6 = 12 होता है। यहाँ पर देखिए दोनों बॉक्स का जोड़ा तो कितना हुआ, 13 होता है, और इन दोनों बाहरी संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। इसका मतलब इस तरह से नहीं बनेगा। इसके बाद चलिए और इसको जोड़ते हैं तो 6 × 4 = 10 होता है, और इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 × 6 = 15 होता है। इस तरह से भी नहीं बनेगा तो किस तरह से बनेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर इस तरह का आप लोगों का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए तो डरना नहीं है, दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। सवाल क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, सवाल बनेगा। चलिए देखते हैं अब इस सब गुना करते हैं एक बार, अंदर के अंदर से और बाहर के बाहर के। चलिए तो 9 को अगर 4 को गुना करते हैं तो कितना होता है, ये गुना करते हैं 9 × 4 बराबर कितना होता है, 9 × 36 होता है, और इसके बाद बाहरी से, ये बाहरी और ये बाहरी है तो इसको जब गुना करते हैं तो 6 × 6 बराबर कितना, 36। देखिए ये दोनों आपस में मिल गया, ये भी 36 और ये भी 36 दोनों आपस में मिल गया। तो चलिए उसी तरह इसमें भी होगा, ये देखिए जी, ये देखिए 24 × 3 बराबर कितना होगा, 24 दिया 72, इसके बाद है
9 × 8 कितना होगा, 9 × 8 72, ये भी हो गया मेरा दोनों। अब तीसरा उसी तरह से आएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा देखिए क्या कर रहा है। 15 और ये तो दिया हुआ संख्या अंतर का, लेकिन बाहर संख्या तो नहीं दिया हुआ है, तो 15 × 6 कितना होगा, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90 होगा। और इसके बाद जो है बाहर संख्या दिया हुआ है कितना, सिर्फ 9, तो कितना यहाँ पर देंगे कि 90 आएगा मेरा। जैसे यहाँ पर जो संख्या देंगे तो 90 आएगा, तो ही संख्या मेरा ये प्रश्न चिन्ह के जगह पर होगा। तो अपन यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम 10 से गुना करते तो 10 90 90, ये दोनों आ गए आप बराबरी। जब ये दोनों आ गया बराबरी, तो यहाँ पर मेरा 10 जैसे संख्या दिया वैसे ही प्रश्न चिन्ह पर मेरा ये 10 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा मेरा सही हो जाएगा, तो चलिए आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर देना, साथ साथ में सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है वो भी दबा देना। चलिए आज का आखिरी सवाल यानी पांचवा सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए इसमें भी लुप्त संख्या जो है बताने को बोल रहा है, तो इसमें लुप्त संख्या कैसे बताएंगे। चलिए इसमें लुप्त संख्या ये देखिए किस तरह का कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि जितना भी ये रीजनिंग का पार्ट 3-4 तक मैं अभी तक चालू किया हूँ रीजनिंग का, तो 5 लेसन तक मैं पहुँच चुका हूँ। ये 5 लेसन आप देख लो, अगर नज़दीक में आप लोगों का एग्ज़ाम है तो निश्चित उसमें से जो है ना टकराएगा सी टेट BPSC SGL NTPC रेलवे ग्रुप डी, ये 3-4 एग्ज़ाम में तो ये आना ही है। ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखा हूँ जो इसमें दिया इसी तरह का क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा, नहीं दोस्तों। इसी जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 13 दिया है, इसी तरह का क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर 13 के बजाय यहाँ पर 20 भी रह सकता, 16 की जगह पर यहाँ पर आपको जो है ना 13 भी रह सकता, और 24 की जगह पर यहाँ पर 35 भी रह सकता है। यानी इसी कैटेगरी का सवाल जो है ना आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो चलिए देखिए ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पर यह प्रश्न चिन्ह बता रहा है, ये प्रश्न चिन्ह जो खाली देख रहा है यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको अगर पूरे को जोड़ेंगे तो पर भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 8 × 2 = 10, और इसके बाद जो है 4 × 3 = 7 कितना होता है 40 × 30 = 70 = 80 होता है, लेकिन यहाँ पर 26 दिया हुआ है। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है, 30 होता है, लेकिन यहाँ पर जो कितना दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है, 40 होता है, 24 और 16 40 होता है, लेकिन यहाँ पर 13 दिया हुआ, तो इसी तरह से नहीं बनेगा। चलिए गुना करते हैं एक बार, इसको ऐसा करते हैं इसको इससे और इससे इसको गुना करते हैं। चलिए देखिए जैसे 24 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 48 मेरा, ये देखिए ये खाना में 48 आ रहा है। अगर हम 48 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 48 × 2 = 96 आएगा। ये देखिए ये खाना हमारा, इसका मतलब इसमें और इसका इससे रिलेटिव है, इसका मतलब ये भी हो सकता है इसका और इसका, इसका इससे रिलेटिव होगा और इसका इससे रिलेटिव होगा उसी तरह। चलिए देखते हैं फिर, देखिए चलिए 16 का अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 32। ये देखिए यहाँ पर 32 दिया हुआ है, अगर 32 को हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 32 × 2 = 64। अब देखिए ये भी समेरा हो गया, ये भी हो गया। अब ये भी हो गया, तो प्रश्न चिन्ह वाला भी चलो देखते हैं। तो 13, चलिए 13 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 13 × 2 = 26 कितना आएगा, 26। देखिए यहाँ पर 26 दिया हुआ है, और 26 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 26 × 2 कितना होता है, 52। 26 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 52। तो यहाँ पर कितना आएगा, 52
52 आएगा। तो मेरा ऑप्शन ये देखिए, चारों ऑप्शन में से मेरा 52 यानी 52 इसमें है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और साथ में लाइक कर देना, बेल आइकन घंटी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना। और रीजनिंग या मैथ, मेरा मैथ भी चलता है, रीजनिंग भी चलता है, करेंट अफेयर भी चलता है, ये तीनों में से अगर किसी में आप लोगों का अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, साथ में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम देकर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसी आधारित पर आप लोगों को क्वेश्चन रीजनिंग से हो या मैथ या फिर करेंट अफेयर से, इन तीनों से बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में क्रैक कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।